तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, ये ग्राफिक आईसी के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ग्राफिक आईसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक आईसी का क्या रोल रहता है और ग्राफिक आईसी मोबाइल फोन में कैसे काम करती है। सबसे पहली बात क्या होता है, ये जो ग्राफिक आईसी होती है, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं, मोस्टली जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं, तो सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर इस ग्राफिक आईसी का उपयोग होता है। ये ग्राफिक आईसी खराब हो जाती है तो मोबाइल फोन में डिस्प्ले संबंधित प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर मोबाइल फोन में ऐसा देखा जाता है या बहुत सारे लोगों के साथ में देखा गया है कि लोगों ने मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो मोबाइल फोन को पटक देते हैं, या मोबाइल फोन गिर गया या उस पर कोई भारी चीज चढ़ गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन पर मोबाइल फोन में काम्बो टूट जाता है। जब काम्बो टूट जाता है तो मार्केट से हम लोग काम्बो लेकर के आते हैं, उसमें जैसे ही काम्बो लगाते हैं तो वो नहीं आता, मतलब मोबाइल फोन ऐसा फील होता है कि जैसे मोबाइल फोन चालू हुआ हो लेकिन उस मोबाइल फोन में कोई स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं देता, और नया काम्बो लगा लिया उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में कुछ नहीं आता, तो उस कंडीशन पर मोबाइल फोन में ये ग्राफिक आईसी खराब हो जाती है, जिस कारण से मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ कि जैसा कि दोस्तों हम लोग आपको एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी आईसी लगी होती है, अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन में 10-12 तरह की आईसी आईसी लगी होती है जो पूरे मोबाइल फोन को कंट्रोल करती हैं, पूरे मोबाइल फोन को चलाती हैं। उन आईसीयू के बारे में हम आपको ए से लेकर जेड तक पूरे डिटेल में बता रहे हैं कि कौन सी आईसी क्या काम है, उसका क्या नाम है, क्या वर्किंग है, कैसे मदरबोर्ड में पहचाना जाएगा, अगर आपके पास मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इन सारी चीजों का वीडियो हम आपको लेकर के आए हुए हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो के माध्यम से काफी अच्छा सीख रहे हैं, काफी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया हुआ है कि सर मुझे ये सारी चीजें सीखने को मिली हैं, मुझे ये मोबाइल फोन में ठीक कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सारा वीडियो जो हम आपको बना करके देते हैं तो आप ही लोगों के लिए बना के देते हैं, ताकि आप लोग सीखें, कुछ काम करें, कुछ एक्टिविटी आए और आप अच्छी तरीके से आगे सफलतापूर्वक अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान को चला पाएं। और अगर जो लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जो सारी चीजों के बारे में अगर कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो कई साल से मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हो, अच्छा काम नहीं कर पाते, तब भी वो ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ग्राफिक आईसी। यह आईसी सेट में ग्राफिक लाने का वर्क करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में मोटी सी बक क्वाइल लगी होती है, मतलब इसके पास में जो पहचान होती है, इसके पास में एक मोटी सी क्वाइल लगी होती है, कि जैसा कि आप देखेंगे ये आईसी हमेशा मोस्टली क्रिस्टल टाइप में ऐसी दिखती है। इस तरीके से ग्लास टाइप में चमकीली चमकीली शाइनिंग जैसे दिखती है, और इसके पास में इस तरीके से राउंड बूस्ट टाइप में मोटी सी बक कॉइल लगी होती है। यह आईसी क्या काम करती है, अपने अंदर 3.7 वोल्टेज को लेती है। 3.7 वोल्टेज ये चले जाते हैं इस आईसी के अंदर, फिर ग्राफिक आईसी क्या काम करती है, अपने पास से 2 वोल्टेज को रिलीज करती है और ये 2 वोल्टेज तुम्हारे चले जाते हैं डिस्प्ले जैक पर। तो इसको काम करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 3.7 वोल्टेज, और अपने पास से 2 वोल्टेज रिलीज करती है, जिससे आपके ये वोल्टेज कहां पर चले जाते हैं, ग्राफिक मतलब डिस्प्ले जैक पर, एलसीडी जैक जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस ग्राफिक आईसी को काम करने के लिए भी 2 वोल्टेज आते हैं, ये इन्हीं वोल्टेज को बूस्ट करके जैक के ऊपर देती है, जिससे हमारे मोबाइल फोन में ग्राफिक
आता है। तो अगर ये आईसी खराब हो जाती है तो मोस्टली मोबाइल फोन में प्रॉब्लम ये आती है कि आप मोबाइल फोन के अंदर काम को चेंज कर देते हैं और काम को चेंज करने के बावजूद भी मोबाइल फोन में अगर डिस्प्ले नहीं आता तो उस कंडीशन पर ये हमारी आईसी खराब हो जाती है, या आईसी कॉइल टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, या तो आईसी खराब हो जाती है। अब देखिए हम लोग बोर्ड में इसको पहचानेंगे कैसे, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन पाए जाते हैं तो सभी मोबाइल फोन लगी होती है, लेकिन कोई 100% फैक्ट के साथ में नहीं बोला जा सकता कि आईसी होगी होगी, किसी मोबाइल फोन में होती है, किसी मोबाइल फोन में नहीं भी होती है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर मोस्टली सभी मोबाइल फोन के ग्राफिक आईसी जो एक दूसरे की सेम होती है, अगर खराब हो जाती है, अगर उसका एक दूसरे के हम लोग आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं और वो हमारे मोबाइल फोन में काम कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एमआई के आईसी को हम लोगों ने टेक्नो में लगा दिया, टेक्नो के आईसी को रियलमी में लगा दिया है, तो वो आईसी आपस में इंटरचेंज हो जाती है और ये क्रिस्टल टाइप में होती है, चमकीली चमकीली शाइनिंग टाइप में दिखती है और उसके पास में मोटी सी कॉइल लगी होती है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि इसको बोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि आपके पास मदर बोर्ड आएगा तो मदर बोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि जैसे मान लिया ये फोन आया है, इस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम है, तो आप इस आईसी को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ सकेंगे, या मोबाइल फोन के अंदर कोई भी आईसी डैमेज है तो उस आईसी को डैमेज को देख करके आप कह सकते हैं अगर ये आईसी डैमेज है तो इसमें इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो चलो मैं बोर्ड में आपको दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड में आप देखेंगे ये कॉइल लगी है, कॉइल के पास में अगर आप देखेंगे ये तो आपके मोबाइल फोन में क्या लगी हुई है, ग्राफिक आईसी लगी हुई है, और ये पूरा जो सेक्शन लगा हुआ है ग्राफिक के लिए पूरा सर्किट बना हुआ है। इसको काम करने के लिए यहां पर आपको 3.7 वोल्टेज आते हैं, ये 3.7 वोल्टेज वीपीएच होते हैं या वीसीएस भी कह सकते हैं। ये वोल्टेज यहां पर आने के बाद फिर ये वोल्टेज तुम्हारे चले जाते हैं आईसी के अंदर, फिर आईसी क्या काम करती है, अपने पास से दो तरह के वोल्टेज को रिलीज करती है, और ये वोल्टेज तुम्हारे कहां पर चले जाते हैं, एलसीडी जैक में, जिससे आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आता है। तो इस तरीके से अगर ये आईसी खराब हो जाती है या आईसी डैमेज हो जाती है या कॉइल डैमेज हो जाती है तभी उस कंडीशन पर ऐसे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि ग्राफिक संबंधित प्रॉब्लम आती है और हमको इस आईसी को रिपेयर करना पड़ता है, इस आईसी को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो ग्राफिक आईसी होती है उस ग्राफिक आईसी को हम लोग मोबाइल फोन में कैसे पहचानते हैं और ग्राफिक आईसी का काम करने का तरीका क्या है। इस तरीके से दोस्तों हम आपको एक से लेच के जड़ तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आईसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी मोबाइल फोन में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैंने सारी आईसी को जैसे सीपीयू आईसी है, एमएमसी आईसी है, पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, पीएफओ आईसी है, तुम्हारी डब्ल्यूटीआई नेटवर्क आरएफ आईसी है, या मोबाइल फोन में लाइट आईसी है, या मोबाइल फोन के अंदर आज मैंने जो आपको ग्राफिक आईसी के बारे में बताया, इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में और भी दो तीन तरीके की आईसी और मोस्टली बची हुई है, और उसके बाद फिर हमारा आईसीओ का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि जितने भी सारी आईसी हैं जैसे आपके मोबाइल फोन में सीपीयू है, पावर है, एमएमसी है, चार्जिंग है, डब्ल्यूटीआर है, नेटवर्क है, ये सारी आईसी तो मोबाइल फोन में अलग अलग लगी होती है, लेकिन ये मोबाइल फोन में आपस में मिल करके काम कैसे करते हैं, कौन सी आईसी को कितना वोल्टेज जाता है, कैसे उनकी कनेक्टिविटी होती है, क्या काम करने का तरीका क्या होता है, फिर हम लोग एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सर्किट्स होते हैं सारे सर्किट को स्टेप बाय स्टेप बेसिकली सर्किट को चेक करना सीखेंगे, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग सीख रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनको एक अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा तरीका मिले और अच्छे तरीके से सीख करके आगे काम कर पाए। और दोस्तों इस समय मैं कहना चाहूँगा कि अभी दीपावली कंप्लीट हो गया है, सारा नया बैच स्टार्ट है, अगर जो लोग ऐसे हैं कि जो अभी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 इसमें से किसी नंबर पर आप कॉल करके आप यहाँ पर आने की सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है उसके तरीका को जान सकते हैं, इस कोर्स को कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन में कैसे कैसे सीखा जाएगा, इन सारी बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आ करके ट्रेनिंग लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो नीचे मैसेज जरूर करें, अगर वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें, ताकि हम लोग भी अगर आपको वीडियो इतना बना कर दे रहे हैं, इतना मेहनत से दे रहे हैं और आपको सारी चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हमें भी हौसला अफजाई हो कि हम आपको और अच्छा सिखाएं और बेहतर तरीके से सिखाएं ताकि आप सीख करके खड़े हो सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।